अरे अरुण, जैसे आप टाइटल देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जेट आईसीआर बीएचयू के लिए जो हॉर्टिकल्चर के यार हॉर्टिकल्चर के जो एमसीक्यू है 100 एमसीक्यू को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार हाँ यहाँ पर जिन क्वेश्चन को लिया जा रहा है वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एग्रीकल्चर ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे कि सर्वाधिक आम का उत्पादन किस राज्य में लिया जाता है। ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है? उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, मध्य प्रदेश में लिया जाता है, महाराष्ट्र में लिया जाता है, फिर राजस्थान में लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि आम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में लिया जाता है, किस स्टेट में लिया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस राज्य में लिया जाता है। यहाँ अगर आपसे पूछता है आम के उत्पादन के बारे में, तो आम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया जाता है ये कहाँ पर लिया जाता है? महाराष्ट्र में लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? यार हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आम का प्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पर प्रचलित है, अर्थात यार जो सीढ़ी नुमा खेती है सबसे ज़्यादा किस एरिया में ली जाती है, किस राज्य में ली जाती है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से आप ऑप्शन देख लीजिए, उनके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तमिलनाडु में ली जाती है, पश्चिम बंगाल में ली जाती है, हिमाचल प्रदेश में ली जाती है, फिर महाराष्ट्र में ली जाती है। जल्दी से बताएंगे कि यार सीढ़ी नुमा खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जो सीढ़ी नुमा खेती है ये कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से बताएंगे कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पर प्रचलित है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार अगर आपसे पूछ रहा है सीढ़ी नुमा खेती के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है सीढ़ी नुमा खेती, तो सीढ़ी नुमा खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? हिमाचल प्रदेश में ली जाती है। कहाँ पर ली जाती है यार सबसे ज़्यादा सीढ़ी नुमा खेती? ये ली जाती है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण फलों का उदाहरण? यार यहाँ पर आपसे पूछा है टेम्परेट फ्रूट्स, अर्थात यहाँ शीतोष्ण फल कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, खजार और अनूर है, बादाम और स्ट्रॉबेरी है, केला और पपीता या फिर चीकू है? जल्दी से बताएंगे शीतोष्ण फलों का, ठीक है, शीतोष्ण फलों का, ठीक है, शीत फलों का आपको एग्जाम्पल बताने हैं। जल्दी से बताएंगे कि खजूर और अनार शीतोष्ण फल होते हैं, बादाम और स्ट्रॉबेरी शीतोष्ण फल होते हैं, या फिर केला और पपीता शीतोष्ण फल होते हैं, फिर चीकू होता है? जल्दी से बताएंगे टेम्परेट फ्रूट कौन सा होता है? खजूर होता है, अनार होता है, बादाम एवं स्ट्रॉबेरी होता है, केला एवं पपीता होता है, फिर चीकू होता है? जल्दी से बताएंगे शीतोष्ण फलों का अच्छे एग्जांपल इसे माना गया है। तो यार अगर आपसे पूछा जाए शीतोष्ण फलों के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शीतोष्ण फलों के बारे में, तो कौन से होते हैं शीतोष्ण फलों के एग्जाम्पल कौन से? यार बादाम और स्ट्रॉबेरी क्या है? यार बादाम और स्ट्रॉबेरी क्या है? शीतोष्ण फल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में अंगूर की खेती कहाँ पर की जाती है? यार राजस्थान के लिए पूछा आ रहा है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती कहाँ पर प्रचलित है ये आपसे पूछा आ रहा है। तो जल्दी से देंगे, यार अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर ली जाती है? बीकानेर में ली जाती है, जालौर में ली जाती है, श्रीगंगानगर में ली जाती है, फिर भरतपुर में ली जाती है? जल्दी से देंगे कि राजस्थान में अंगूर की खेती कहाँ पर प्रचलित है, सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती कहाँ पर की जाती है? बीकानेर में, जालौर में, श्रीगंगानगर में, फिर भरतपुर में? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में अंगूर की खेती कहाँ पर प्रचलित है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जो अंगूर की खेती है ये कहाँ पर ली जाती है? बीकानेर में ली जाती है, जालौर में ली जाती है, श्रीगंगानगर में ली जाती है, फिर भरतपुर में ली जाती है? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो जल्दी से बताइए अंगूर की खेती कहाँ पर प्रचलित है, सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती कहाँ पर ली जाती है? बीकानेर में ली जाती है, जालौर में ली जाती है, श्रीगंगानगर में ली जाती है, भरतपुर में ली जाती है? जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती का करना कहलाता है, अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें यार अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोला जाता है वीटीकल्चर। किसी नाम से जाना जाता है? वीटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया अंगूर की खेती कहाँ पर प्रचलित, अर्थात यहाँ अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो ये की जाती है श्रीगंगानगर साइड। कहाँ पर ली जाती है? श्रीगंगानगर साइड सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है। और यहाँ अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? वीटीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और अंगूर की फैमिली क्या होती है? सुबह ही हमने क्लियर किया था, वाइटिस विनिफेरा, मतलब वाइटिस फैमिली, ठीक है, वाइटिस विनिफेरा, इसका बोटिनल नेम होता है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है अंगूर? वाइटिस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाग लगाने की, ठीक है, ऑर्चार्ड लगाने का सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बाग लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? आयताकार विधि, वर्गाकार विधि, पंचवृक्षीय
भुज विधि या फिर षटभुजाकार विधि। जल्दी बताएंगे कि बाघ लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, आयताकार विधि, वर्गाकार विधि, पंचवृक्षीय विधि या फिर षटभुजाकार विधि। जल्दी बताएंगे सर्वाधिक प्रचलित, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसे अप्लाई किया जाता है वो मेथड आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे आयताकार विधि को लिया जाता है, वर्गाकार विधि को लिया जाता है, पंचवृक्षीय विधि को लिया जाता है, फिर षटभुजाकार विधि को लिया जाता है। जल्दी बताएंगे आपका कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी बताएंगे सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है और चार्ट लगाने के लिए। जल्दी बताएंगे तो यहाँ अगर आप सोचते हैं बाघ लगाने के सर्वाधिक प्रचलित, तो यहाँ सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सी है, यहाँ वर्गाकार पद्धति है। कौन सी होती है, यहाँ वर्गाकार पद्धति होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवृक्षी में जो एक पूरक पौधा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि पूरक पौधा किस में होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है इससे कि पूरक पौधा किस में लेते हैं, तो यहाँ पूरक पौधा है वो किस मेथड में लेते हैं, यहाँ पंचवृक्षी में लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें चार प्लांट तो रहते हैं, इसके साथ साथ यहाँ एक और बीच में रहता है, ठीक है, एक और जो बीच में प्लांट रहता है उसे यहाँ पूरक पौधे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अगर आपसे पूछता है पूरक पौधे के रूप में, ठीक है, इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है पूरक पौधे के रूप में किस प्लांट को लिया जाता है, तो यहाँ केला और पपीता, यहाँ केला और पपीता को सबसे ज़्यादा खाना पूरक पौधे के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। वर्गाकार विधि क्या है, यहाँ एक सर्वाधिक प्रचलित विधि है अर्थात मोस्ट पॉपुलर विधि है। अगर बात करते हैं पंचवर्ग से, जिसमें क्या होता है एक पूरक पौधा होता है, पूरक पौधा क्या होता है यहाँ, जिसे यहाँ यानी मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास जो फ्रूट है, ठीक है, जो फ्रूट हमने लगाए हैं वो कई सालों में फल देंगे, यानी उससे किसी प्रकार कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ कि जो पूरक पौधा है इसका महत्व क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यही मुख्य उद्देश्य होता है कि इससे अधिक से उत्पादन लिया जा सके। अर्थात यहाँ जब तक हमारी जो मेन फ्रूट है, ठीक है, मेन जो फसल है वो जब तक यानी प्रोडक्शन नहीं देती है, तो उससे पहले प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, पूरक पौधा लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया हो वैसे कि यहाँ पूरक पौधे का मेन रोल क्या होता है, जो इनकम है, ठीक है, जो अर्निंग है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पूरक पौधा लगाया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं पूरक पौधा कौन कौन से होते हैं, तो केला और पपीता, ठीक है, जो कि कम समय में अधिक उत्पादन दे देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं षटभुजाकार विधि के बारे में, ठीक है, अब बात करते हैं षटभुजाकार विधि की। तो षटभुजाकार से संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मान लीजिए शहरी ज़मीन है, ठीक है, शहर में आप रह रहे हो और शहरी ज़मीन है, आपके पास कम ज़मीन है, तो वहाँ पर अधिक प्लांट लगाने हैं, ठीक है, आपको अर्निंग के लिए करनी है, यानी मुख्य जो व्यवसाय आपका क्या है, अर्निंग है, ठीक है। तो अर्निंग ज़्यादा करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ शहरी भूमि है, ठीक है, शहरी भूमि है जहाँ पर आपके लिए कम जगह अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ षटभुजाकार विधि का अप्लाई करते हैं। किसको लेते हैं, यहाँ षटभुजाकार विधि को ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ कम जगह होने पर अधिक पौधे होंगे तभी ज़्यादा अर्निंग होगी। इसलिए यहाँ अगर बात करते हैं षटभुजाकार, तो यहाँ षटभुजाकार का लिया जाता है शहरी विधि में, ठीक है, शहरी जो ज़मीन होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ षटभुजाकार को लिया जाता है। पंचवृक्ष की हमने बात की है कि इसमें एक पूरक पौधा होता है और चारों तरफ चार प्लांट लगे होते हैं। आए वर्गाकार की हमने बात की है कि वर्गाकार क्या है, यहाँ सबसे मोस्ट पॉपुलर यानी विधि होती है, ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनाबिशाही और थॉमसन सीडनेस, अनाबिशाही और थॉमसन सीडनेस किसकी किस्म होती है। जल्दी सुनाएंगे आम की होती है, अनार की होती है, खजूर की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी सुनाएंगे कि अनाबिशाही और थॉमसन सीडनेस, अनाबिशाही और थॉमसन सीडनेस ये किसकी वैरायटी होती है। जल्दी सुनाएंगे आम की होती है, अनार की होती है, खजूर की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी सुनाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया यार थॉमसन सीडनेस, इसके आपको पता होना चाहिए यार थॉमसन सीडनेस किसकी होती है, ठीक है, ये एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी भी गई है कि थॉमसन सीडनेस किसकी वैरायटी होती है, आम की है, अनार की होती है, खजूर की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी बताएंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया इसे, जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, आम, अनार, खजूर या फिर अंगूर। जल्दी बताएंगे कि अनाबिशाही थॉमसन सीडनेस किसकी किस्म होती है, अनार की होती है, आम की होती है, खजूर की होती है, फिर अंगूर की होती है। तो यार अगर आप सोचते हैं थॉमसन सीडनेस तो किसकी होती है, यार थॉमसन सीडनेस, ठीक है, थॉमसन सीडनेस किसकी होती है, अंगूर की होती है। किसकी होती है यार मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, अंगूर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सर्वाधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विटामिन सी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, आम में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है, फिर अमरूद में पाया जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताना है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे आम में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है, फिर अमरूद में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप ऑप्शंस को जरूर देख लेना, ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में पाया है, आम में पाया है, अनार में पाया है, खजूर में पाया है, फिर अमरूद में पाया है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो यार अगर आपसे पूछता है विटामिन सी, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है यार, अमरूद, क्योंकि यार अगर बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्यों यार कि अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी कंटेंट पाया है। लेकिन अगर आपको देखने को मिल रहा है यार बारबेडस चेरी, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, बारबेडस चेरी में होता है। ये तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा है विटामिन सी किस में होता है, बारबेडस चेरी में होता है। अगर बात करते हैं बारबेडस चेरी ऑप्शन में नहीं हो, तब आपका राइट आंसर होगा आंवला, ठीक है। अगर आंवला भी नहीं मिले, ठीक है, आंवला भी अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार, अमरूद होगा।
ठीक है, तीनों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यार अगर आप सोचते हैं विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाइजता है, तो यार हाँ बारबेडस चेरी में पाइजता है। किसमें पाइजता है यार हाँ, बारबेडस चेरी में पाइजता है। लेकिन जब आपको ऑप्शन में ही देखने को नहीं मिल रहा है बारबेडस चेरी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार हाँ, आंवला होगा। ओके, और अगर जब भी आपको यानी आंवला भी नहीं देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार हाँ, अमरूद होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में होता है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा यार अमरूद होता है, क्योंकि यार इसमें आंवला आपको देखने नहीं को नहीं मिल रहा है। और अगर आपको यहाँ पर आंवला देखने को मिलता, ठीक है, मान लीजिए सेकंड ऑप्शन आंवला होता, तब आपका राइट आंसर क्या होता, आंवला होता है। इसलिए यार कि अगर आपको कभी भी पूछाता है तो उसके ऑप्शन को जरूर देख लिया करो, ठीक है। यार हाँ विटामिन सी सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी में पाइजता है, बारबेडस चेरी से कम पाइजता है आंवले में, और आंवले से कम पाइजता है अमरूद में। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा शुष्क श्रेणी फल है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया यार हाँ शुष्क श्रेणी का फल, तो जल्दी से बताएंगे शुष्क श्रेणी का फल कौन कौन सा है। खजूर होता है, बेर होता है, आंवला होता है, ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से कौन सा शुष्क श्रेणी का फल है। खजूर होता है, बेर होता है, आंवला होता है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे शुष्क श्रेणी का फल कौन सा है। खजूर होता है, बेर होता है, आंवला होता है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, शुष्क श्रेणी का फल कौन सा है। खजूर होता है, बेर होता है, आंवला होता है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है शुष्क श्रेणी का फल, तो आपको ये तो पता होगा खजूर और बेर, ठीक है। खजूर और बेर क्या होते हैं, दोनों ही शुष्क फल होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है आंवला शुष्क होता है या नहीं होता है, तो यार हाँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको पता है कि दो तो आपके कन्फर्म है कि ये शुष्क फल है, ठीक है। मान लीजिए कि शुष्क श्रेणी के फल कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको पता होगा खजूर और बेर होते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये दोनों ही होते, तो आपको यार हाँ तीसरा ऑप्शन ये देखने को मिलता है कि ए और बी दोनों, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको दे रखा है उपयुक्त सभी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार हाँ, उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको पता है ये दोनों तो है ही, और तीसरा आपको पता नहीं है, तो यार हाँ ये भी होगा, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। यार हाँ ये क्वेश्चंस को क्लियर करने की ट्रिक्स होती है कुछ, तो इनके अकॉर्डिंग यार हाँ क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व किया करो, ठीक है। कुछ ट्रिक्स होती है ऐसी जिसके अकॉर्डिंग आप यानी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, इनको आप अप्लाई करोगे जब इन्हें आप इजीली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, झालावाड़ जिले में फल वृक्ष लगाए जाते हैं, तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ झालावाड़ जिले के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्पेशली झालावाड़ जिले में फल वृक्ष लगाए जाते हैं, संतरा के लगाए जाते हैं, माल्टा के लगाए जाते हैं, किन्नों में लगाए जाते हैं, फिर अनार में लगाए जाते हैं। जल्दी से बताएंगे कि झालावाड़ जिले में फल वृक्ष कहाँ पर लगाए जाते हैं, अर्थात कौन सा फल वृक्ष सबसे ज़्यादा लगाए जाता है। संतरा लगाए जाता है, माल्टा लगाए जाता है, किन्नों लगाए जाता है, फिर अनार लगाए जाता है। जल्दी से बताएंगे कि झालावाड़ जिले में फल वृक्ष कौन सा लगाए जाता है, संतरा, माल्टा, किन्नों या फिर अनार। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि झालावाड़ जिले में फल वृक्ष लगाए जाते हैं, संतरा, माल्टा, किन्नों या फिर अनार। तो यहाँ अगर आप सबसे झालावाड़ जिले के, तो यहाँ झालावाड़ जिले में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, संतरा को ग्रो किया जाता है। किसको किया जाता है, संतरा को ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ कि राजस्थान का नागपुर किसे बोला जाता है, झालावाड़ को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है यहाँ नागपुर, ये बोला जाता है राजस्थान, जो राजस्थान का नागपुर है ये बोलता है झालावाड़ को। क्यों बोला जाता है यार हाँ, जो संतरा का सबसे अच्छा उत्पादन लिया जाता है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है कहाँ पर लिया जाता है यार हाँ, झालावाड़ जिले में ही लिया जाता है। ओके, इसलिए यार हाँ राजस्थान का नागपुर किसे बोला जाता है, झालावाड़ जिले को ही बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार हाँ, अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया अंगूर के बारे में, तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ, अंगूर में प्रूनिंग कब की जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, फिर अक्टूबर में। जल्दी से बताएंगे कि अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में। जल्दी से बताएंगे अंगूर में प्रूनिंग का टाइम क्या है, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, जनवरी होता है, अप्रैल होता है, जुलाई होता है, फिर अक्टूबर होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार अगर आपसे पूछता है अंगूर में प्रूनिंग, तो यार हाँ एक होती है अंगूर और एक होता है बेर, दोनों से यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों ही कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है अंगूर के बारे में, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है और दोबारा से क्लियर कर लेते हैं कि यार हाँ अगर आपसे पूछा जा रहा है अंगूर के बारे में, ठीक है, अंगूर के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो अंगूर में जो प्रूनिंग का समय रहता है ये रहता है जनवरी के समय, ठीक है। जनवरी के समय अगर आप प्रूनिंग कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं बेर की, तो बेर के संबंध में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रैल से मई के मध्य, ठीक है, अप्रैल से मई के मध्य, बेर में कब करते हैं, अप्रैल से मई के मध्य करते हैं। लेकिन अगर आप सोचा है अंगूर में प्रूनिंग, तो अंगूर में जो प्रूनिंग का टाइम रहता है सबसे बेस्ट टाइम, वो कौन सा रहता है, जनवरी समय रहता है, ठीक है। जनवरी मंथ में ही सबसे बेस्ट माने जाते हैं अंगूर में प्रूनिंग क्रिया। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एकांतर फलन प्रमुख समस्या होती है, तो ये भी आपको पता होगा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एकांतर फलन होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो एकांतर फलन तो इसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए एक साल वो फल रह रहा है, ठीक है। ये समस्या किसमें देखने को मिल रही है पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे एकांतर फलन प्रमुख समस्या किसकी होती है, अमरूद की होती है, अनार की होती है, आम की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी से बताएंगे एकांतर फलन मुख्यतः समस्या किसकी होती है, अमरूद की होती है, अनार की होती है, आम की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, एकांतर फलन प्रमुख समस्या किसकी होती है, अमरूद की होती है, अनार की होती है, आम की होती है, फिर अंगूर की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो हाँ, अगर आप सोचते हैं एकांतर फलन तो सबसे पहले ये होता क्या है, ठीक है, एकांतर फलन होता क्या है, एक साल फल लगना और दूसरे साल फल नहीं लगना, एक साल फल लगना दूसरे साल फल नहीं लगना, एक साल फल बनना दूसरे साल फल नहीं बनना, एक साल फलना और दूसरे साल नहीं बनना। तो इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, एकांतर फलन बोला जाता है, ठीक है, इसी क्रिया को बोला जाता है एकांतर फलन। और ये जो समस्या देखने को मिलती है ये देखने को मिलती है यार आम में, किसमें देखने को मिलती है, आम में देखने को मिलती है, ठीक है। आम की एक समस्या होती है एकांतर फलन, क्योंकि यार इसमें एक साल तो फल लगते हैं लेकिन दूसरे साल नहीं लगते हैं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर लगेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर नहीं लगेंगे, यार एकांतर फलन की समस्या किसमें देखने को मिलती है, आम फसल में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस पर होता है, तो जल्दी से बताएंगे वायरस का प्रकोप, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए पहले, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताएंगे वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस फसल पर होता है, अनार पर होता है, पपीते पर होता है, अमरूद में होता है, फिर बेर पर होता है। जल्दी से बताएंगे वायरस का प्रकोप, ठीक है, वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस पर होता है, अनार पर होता है, पपीते में होता है, अमरूद में होता है, फिर बेर में होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस पर होता है, अनार पर होता है, पपीते में होता है, अमरूद में होता है, फिर बेर में होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस पर होता है, अनार पर होता है, पपीते पर होता है, अमरूद पर होता है, फिर बेर पर होता है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप सोचते हैं वायरस का प्रकोप तो किस पर होता है, सबसे ज़्यादा पपीते पर होता है, किस पर होता है, पपाया पर होता है, ठीक है, किस पर होता है यार वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा पपाया पर होता है, पपीते पर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अत्यधिक तेजी से सड़ने वाला फल कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि फालसा होता है, अंगूर होता है, पपीता होता है, फिर आंवला होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, अत्यधिक तेजी से सड़ने वाला फल कौन सा होता है, फालसा होता है, अंगूर होता है, पपीता होता है, फिर फालसा होता है, सॉरी आंवला होता है। जल्दी से बताएंगे अत्यधिक तेजी से सड़ने वाला फल कौन सा होता है, फालसा होता है, अंगूर होता है, पपीता होता है, फिर आंवला होता है। तो कौन सा होता है यार हाँ, कि अगर आप सोचते हैं अत्यधिक तेजी से सड़ने वाला फल तो कौन सा होता है, फालसा होता है, कौन सा होता है, फालसा होता है, जो कि यार हाँ अत्यधिक तेजी से सड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल कौन सा है, ठीक है, पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल कौन सा होता है, पपीता होता है, खजूर होता है, नींबू होता है, आंवला होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा है, पपीता होता है, खजूर होता है, नींबू होता है, फिर आंवला होता है। जल्दी से कहेंगे कि पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल कौन सा होता है, पपीता होता है, खजूर होता है, नींबू होता है, आंवला होता है। जल्दी से कहेंगे कि पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल कौन सा होता है, पपीता, खजूर, नींबू या आंवला। जल्दी से कहेंगे, तो यहाँ अगर आप सोचते हैं संवेदनशील फल के बारे में तो कौन सा होता है, पपीता होता है, कौन होता है यार हाँ पपीता होता है, क्योंकि ना अगर आपसे पूछा रहा है पाले के प्रति तो इसका रीज़न क्या होता है, सबसे पहले इसका भी आपको पता होना जरूरी है कि अगर आपसे पूछते हैं पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल कौन सा होता है, पपीता होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछ रहे हैं पाले के प्रति, यार हाँ अगर आपसे पूछ रहे हैं पाले के प्रति तो पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल होता है, यानी फल होता है पपीता, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है, जो यार हाँ इसकी जो लीफ की साइज होती है यह क्या होती है, बड़ी होती है, जो इसकी पत्तियाँ होती है क्या होती है, बड़ी होती है, इसी कारण यार हाँ इस पर पाले का सबसे ज़्यादा अटैक पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, और इसी कारण यार हाँ पपीता क्या होती है, पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है, इसका रीज़न क्या था यार हाँ, इसकी जो चौड़ी पत्तियाँ होती है इसी कारण यहाँ पाले का सबसे ज़्यादा इस पर अटैक पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इसी के कारण यार हाँ संवेदनशील फल किसे माना गया है, पपीते को ही माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में उगाई जाने वाला प्रमुख फल कौन सा होता है, तो जल्दी से कहेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में, ठीक है, स्पेशली एरिया आपको दे रखा है, तो जल्दी से कहेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में उगाई जाने वाला प्रमुख फल कौन सा होता है, खजूर को लिए ऐसा है, संतरा को लिए ऐसा है, बेर को लिए ऐसा है, फिर आम को लिए ऐसा है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस फल को लिए ऐसा है, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, खजूर होता है, संतरा होता है, बेर को लिए ऐसा है, फिर आम को लिए ऐसा है। जल्दी से बताएंगे किसको लिए ऐसा है,
जहाँ अगर आप सोचते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में, तो यहाँ दक्षिणी जो क्षेत्र होता है राजस्थान का, जो दक्षिणी क्षेत्र होता है, तो इस पर लिया जाता है आम को, किसको लिया जाता है, आम फसल को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा फल, ठीक है, निम्न में से कौन सा बागों में एफलन का कारण है। यार हाँ, आपने देखा होगा कि एफलन की समस्या होती है, ठीक है, बागों में जो एफलन की समस्या होती है, तो उसका रीजन क्या होता है, यही आपसे पूछा है। जल्दी से कि एफलन की समस्या क्यों आती है, इसका रीजन क्या होता है, लिंग वितरण होता है, भिन्नकार परिपक्वता होती है, अनिश्चितता होती है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। जल्दी चाहेंगे कि बागों में एफलन की समस्या क्यों आती है, इसका रीजन क्या होता है, इसका कोज क्या होता है, लिंग वितरण होता है, भिन्नकार परिपक्वता होती है, अनिश्चितता होती है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। जल्दी चाहेंगे कि यहाँ बागों में एफलन का कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं बागों में एफलन की समस्या तो क्यों आती है, यहाँ लिंग वितरण के कारण आती है, भिन्नकार परिपक्वता के कारण भी आती है, और अनिश्चितता के कारण भी आती है। अर्थात यही सभी आंसर, ठीक है, बागों में एफलन का कारण क्या होते हैं, लिंग वितरण भी होता है, भिन्नकाल परिपक्वता भी होती है, अनिश्चितता होती है, और ये सभी होते हैं। राइट आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ दीज, कौन से है राइट आंसर आपका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे कागजी नींबू, ठीक है, कागजी जो नींबू होता है, तो इसका बोटनिकल नाम से आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से कहेंगे कि कागजी नींबू, ठीक है, कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सिट्रस लेमन होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा होता है, या फिर सिट्रस साइनेंसिस होता है। जल्दी से कहेंगे कागजी नींबू का, ठीक है, आपको किसका बताना है, कागजी नींबू का बताना है। तो जल्दी से कहेंगे कि कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सिट्रस लेमन होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा होता है, फिर सिट्रस साइनेंसिस होता है। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या है, कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सिट्रस लेमन होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा होता है, फिर सिट्रस साइनेंसिस होता है। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या है, कागजी नींबू किसका एग्जांपल होता है, सॉरी इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। यहाँ अगर आपसे पूछ रहे हैं कागजी नींबू, तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। क्या होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। क्या होता है, कागजी नींबू का बोटनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस फल में बीजों में, किस फल के बीजों में बहुपूर्णता पाई जाती है। यहाँ पर आपको पूछा गया हम बहुपूर्णता के बारे में, तो जल्दी से कहेंगे आम में होती है, जामुन में होती है, नींबू वर्गीय फलों में होती है, फिर सभी में होती है। जल्दी से कहेंगे कि बहुपूर्णता किस में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, जामुन में पाई जाती है, नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है, फिर इन सभी में पाई जाती है। जल्दी से कहेंगे कि बहुपूर्णता, ठीक है, बहुपूर्णता अर्थात पॉलीएम्ब्रायनी, क्या पॉलीएम्ब्रायनी। जल्दी चाहेंगे कि बहुपूर्णता की जो समस्या होती है, या फिर बीजों में जो बहुपूर्णता पाई जाती है, ये किस किस में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, जामुन पाई जाती है, नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है, फिर सभी में पाई जाती है। जल्दी चाहेंगे बहुपूर्णता, तो जैसे कि हमने पहले ही इसमें डिस्कस किया था कि पहले की जो वीडियो थी हमने उसमें क्लियर किया था कि अगर आपसे पूछता है पॉलीएम्ब्रायनी या फिर बहुपूर्णता, तो किस किस में देखने को मिलती है ये समस्या, यार हाँ आम में भी देखने को मिलती है, जामुन में भी देखने को मिलती है, और नींबू वर्गीय फल है, ठीक है, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं इन सभी में। अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, यार हाँ आम में भी देखने को मिलती है, जामुन में भी देखने को मिलती है, और नींबू वर्गीय फलों में भी देखने को मिलती है, एकमात्र छोड़कर, ठीक है, नींबू वर्गीय जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं, जितने भी जो स्पीसीज होती है, उनमें से एक को छोड़कर, जो कि पमेलो होता है, ठीक है, एक अपवाद होता है कि नींबू वर्गीय फलों में, यार हाँ पमेलो एकमात्र ऐसा होता है स्पीसीज जिसमें क्या होती है, बहुपूर्णता नहीं पाई जाती है। यार हाँ अपवादों को हमेशा ध्यान रखा करो, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं बहुपूर्णता, तो यार हाँ आम में भी पाई जाती है, जामुन में पाई जाता है, नींबू वर्गीय फलों में भी पाई जाता है, लेकिन यार हाँ पमेलो में नहीं पाई जाता है, पमेलो में नहीं पाई जाता है, जो कि क्या होता है, एक नींबू वर्गीय फल होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कंधारी कौन से फल की किस्म होती है, तो जल्दी से बताएंगे कंधारी कौन से फल की किस्म होती है, अंगूर की होती है, आंवले की होती है, केले की होती है, फिर अनार की होती है। जल्दी से बताएंगे कि कंधारी किसकी होती है, ठीक है, कंधारी किसकी वैरायटी होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, अंगूर की होती है, आंवले की होती है, केले की होती है, फिर अनार की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, कंधारी कौन से फल की किस्म होती है, अंगूर की होती है, आंवले की होती है, केले की होती है, फिर अनार की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, अंगूर की होती है, आंवले की होती है, केले की होती है, फिर अनार की होती है। तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं कंधारी तो किसकी होती है, अनार की होती है, किसकी होती है, अनार की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संसार का सर्वोत्तम, संसार का सर्वोत्तम संसार जो संतरा लिया ऐसा है, ये कहाँ पर पैदा किया ऐसा है, ठीक है, संसार का सर्वोत्तम संतरा, ठीक है, संतरा का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया ऐसा है ये कहाँ पर लिया ऐसा है, नागपुर महाराष्ट्र में लिया ऐसा है, झालावाड़ राजस्थान में लिया ऐसा है, कोयम्बटूर में लिया ऐसा है, फिर कश्मीर में लिया ऐसा है। जल्दी बताएंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से कहेंगे कि संसार का सर्वोत्तम संतरा कहाँ पर लिया जाता है, याद रखना सबसे अच्छा जो संतरा है ये कहाँ पर पैदा किया जाता है, नागपुर महाराष्ट्र में कैसा है, झालावाड़ राजस्थान में कैसा है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में कैसा है, फिर कश्मीर में कैसा है। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या है कि सबसे अच्छा जो संतरा है इसका उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं संतरा का उत्पादन, तो यहाँ अगर बात की जाए संसार की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, तो सर्वोत्तम जो संतरा है ये उत्पादन लिया जाता है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर लिया जाता है, यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में लिया जाता है।
कहाँ पर लिया जाता है? अगर बात की जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में यहाँ सबसे जो बेस्ट है जो संतरा का उत्पादन लिया जाता है, ये लिया जाता है नागपुर महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान के लिए, ठीक है, अगर आपसे पूछता है राजस्थान के लिए, तो राजस्थान का सबसे जो बेस्ट संतरा है ये कहाँ पर लिया जाता है? यार झालावाड़ राजस्थान में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? अगर बात की जाए झालावाड़ यानी राजस्थान की अगर बात की जाए यार ना, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम पूछे गए हैं। तो अब इस दोबारा इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को कि इसमें पूछा गया ना वर्ल्ड में, ठीक है, अर्थात संसार में आपसे पूछा गया। तो संसार में सबसे जो संतरा सबसे बेस्ट संतरा कहाँ पर लिया जाता है? यार नागपुर महाराष्ट्र में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? नागपुर महाराष्ट्र में लिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए आपसे राजस्थान में, ठीक है, अगर आपसे पूछा है राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे बेस्ट संतरा कहाँ पर लिया जाता है? यार झालावाड़ में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? झालावाड़ में लिया जाता है। इसलिए यार जो राजस्थान का जो झालावाड़ है, इसे यार राजस्थान का नागपुर बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यार झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यार राजस्थान के नागपुर के नाम से भी झालावाड़ को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका रीजन आपको पता चल ही गया, क्योंकि यार जो झालावाड़ होता है इसमें सबसे बेस्ट संतरा का उत्पादन लिया जाता है, प्रोडक्शन लिया जाता है। इसी कारण यार कि जो झालावाड़ जिला है तो इसे यार राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व कौन सा है? जल्दी सुनाएंगे, केले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है, विटामिन पाई जाता है, फिर प्रोटीन पाई जाता है। जल्दी सुनाएंगे कि केले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कंटेंट पाई जाता है? वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है, विटामिन पाई जाता है, फिर प्रोटीन पाई जाती है। जल्दी सुनाएंगे कि केले में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाई जाता है? वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, विटामिन पाई जाता है, फिर यानी जो प्रोटीन पाई जाता है। जल्दी सुनाएंगे कौन सा पाई जाता है, कौन सा घटक पाइसता है, यानी फैट होती है सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट होती है, विटामिन होती है, फिर प्रोटीन होती है। जल्दी सुनाएंगे केले में सबसे ज़्यादा कौन सा पाइसता है? तो अगर आप सोचते हैं केले में, तो केले में सबसे ज़्यादा क्या होता है? यार कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? केले में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब यार ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया क्योंकि हमने जो सुबह किया था उसमें जल्दीबाजी में हम इन्हें इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। इसलिए यार अगर आप सोचते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका जो इंग्लिश नेम होता है काजरी होता है। क्या होता है? काजरी होता है। अर्थात यार सेंट्रल एग्रीकल्चर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यार सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, ये सुबह गलत हो गया था इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ा कि यार अगर आप केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अर्थात काजरी, तो काजरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? काजरी जोधपुर में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यार काजरी कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पपेन नामक जो प्रोटीन होता है, पपेन नामक जो प्रोटीन होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से प्राप्त किया जाता है, अमरूद से लिया जाता है, पपीते से लिया जाता है, फिर केले से लिया जाता है। जल्दी सुनाएंगे पपेन को किससे प्राप्त किया जाता है, पपेन को किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से प्राप्त किया जाता है, अमरूद से प्राप्त किया जाता है, पपीते से प्राप्त किया जाता है, फिर केले से प्राप्त किया जाता है। जल्दी सुनाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी सुनाएंगे, पपीते यानी जो पपेन होता है, ठीक है, पपेन होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे लिया जाता है? पपीते से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? पपेन को प्राप्त ये किया जाता है पपीते से। और अगर बात करते हैं पपीते से कौन से कच्चा फल होता है, ठीक है, जो पपीते का जो कच्चा फल होता है, क्या होता है? जो कच्चा फल होता है, क्या होता है? कच्चा फल होता है, तो उसी से पपेन को प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं पपेन, ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं पपेन के बारे में, तो पपेन क्या होता है? इसका प्रयोग मुख्यतः मेडिसिनल यूज़ किया जाता है इसका पपेन का। और किसके लिए किया जाता है? पेट से संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक है, उदर से संबंधित जो रोग होते हैं, तो उनके निदान के लिए पपेन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका यूज़ क्या है? मेडिसिनल यूज़ है। क्या है यार? मेडिसिनल यूज़ है। और क्या होता है मेडिसिनल यूज़ में? यार पेट से संबंधित जितने भी जो रोग होते हैं उनके कंट्रोल के लिए पपेन का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या होता है यार? पपीते के जो कच्चा फल होता है, पपीते का जो कच्चा फल होता है उसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसान क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय, जैसे कि हमने अभी बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से कहेंगे, बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा होता है? अप्रैल से मई के मध्य, जुलाई से अगस्त के मध्य, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, फिर दिसंबर से जनवरी के मध्य। जल्दी से कहेंगे, बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा होता है? जल्दी से कहेंगे, अभी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अप्रैल से मई के मध्य, जुलाई से अगस्त के मध्य, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, फिर दिसंबर से जनवरी के मध्य। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्या होता है? अप्रैल से मई के मध्य, जुलाई से अगस्त के मध्य, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, फिर दिसंबर से जनवरी के मध्य। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ जैसे कि हमने अभी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है अंगूर के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है अंगूर के बारे में, तो अंगूर में क्या होता है प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम
जनवरी मंथ कब माना जाता है यार, हाँ जनवरी मंथ को माना जाता है। ठीक है, अंगूर की जब भी बात करते हैं तो अंगूर का यार हाँ जनवरी मंथ सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप सोचते हैं बेर के बारे में, तो बेर में प्रूनिंग का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, हाँ अप्रैल से मई के मध्य है। कब की जानी चाहिए यार, हाँ प्रूनिंग की जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है अप्रैल से मई के मध्य। कब रहता है यार, हाँ बेर की अगर बात की जा रही है तो बेर में सबसे उपयुक्त समय किसे माना जाता है, अप्रैल से मई के मध्य। और अगर आप सोचते हैं अंगूर के बारे में, तो अंगूर के जो उपयुक्त समय होता है प्रूनिंग का, ये कब माना जाता है यार, जनवरी मंथ। ठीक है, जनवरी मंथ सबसे बेस्ट टाइम होता है अंगूर के लिए, और बेर के लिए होता है अप्रैल से मई के मध्य। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेड़ पानी में व सिर आग में, पेड़ पानी में व सिर आग में, ये कहावत किसके लिए है, अर्थात यह तथ्य कौन से फल के लिए प्रचलित है। आपको पता होगा वैसे ये भी कि पेड़ पानी में और सिर आग में, पेड़ पानी में और सिर आग में, यह तथ्य कौन से फल के लिए प्रचलित है, खजूर के लिए, फालसे के लिए, बेर के लिए, फिर आम के लिए। जल्दी सुनाएंगे, कॉमन क्वेश्चन है, पेड़ पानी में और सिराग में, पेड़ पानी और सिराग में, यह तथ्य कौन से फल के लिए प्रचलित है, खजूर के लिए, फालसे के लिए, बेर के लिए, फिर आम के लिए। जल्दी सुनाएंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए कि पेड़ पानी में और सिराग में। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर, तो कौन सा होता है, खजूर होता है। ठीक है, खजूर से संबंधित ये कहावत है कि पेड़ पानी में होते हैं और सिराग में होता है, क्योंकि यार हाँ इसमें जो फल लगते हैं बहुत दूर लगते हैं, इसलिए यार हाँ इसके क्या होते हैं, पेड़ तो पानी में होते हैं लेकिन सिर आग में होता है, इसलिए इसके प्रति एक कहावत दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंवले में कसीलापन कौन से पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, यानी जो हल्का कसीलापन होता है आंवले में, ये किसके कारण होता है, जल्दी से कहेंगे, मैलिक अम्ल के कारण होता है, कैफीन के कारण होता है, टैनिन के कारण होता है, फिर ऑक्सैलिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, आंवले में जो कसीलापन होता है कौन से पदार्थ के कारण होता है, जल्दी बताएं इसका रीज़न क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है, कैफीन होता है, टैनिन होता है, फिर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि आंवले में जो कसीलापन होता है, आंवले में जो कसीलापन होता है ये कौन से पदार्थ के कारण होता है, मैलिक अम्ल के कारण होता है, कैफीन के कारण होता है, फिर टैनिन के कारण होता है, फिर ऑक्सैलिक अम्ल के कारण होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि आंवले में कसीलापन कौन से पदार्थ के कारण होता है, मैलिक अम्ल के कारण, कैफीन के कारण, टैनिन के कारण, फिर ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। तो किसके कारण होता है, अगर आप से कसीलापन तो होता है टैनिन के कारण, किसके कारण होता है, टैनिन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो ये भी हमने अभी सोल्व किया था, तो जल्दी से आएंगे, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है, फिर सेरीकल्चर कहलाता है। जल्दी से आएंगे कि अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिकल्चर, विटीकल्चर, लेक कल्चर या फिर सेरीकल्चर। जल्दी से आएंगे अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिकल्चर, विटीकल्चर, लेक कल्चर या फिर सेरीकल्चर। जल्दी से आएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि अंगूर की खेती क्यों की जाए, यानी अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिकल्चर, विटीकल्चर, लेक कल्चर या फिर सेरीकल्चर। किस नाम से जाना है यार, हाँ जल्दी से बताइए अंगूर की खेती को, यार अगर आपसे पूछता है अंगूर की खेती का अध्ययन, तो ये बोला सा है विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्क्वेश, ठीक है, स्क्वेश बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन से होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है स्क्वेश के बारे में, तो जल्दी से बताएंगे स्क्वेश बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है, नींबू होता है, आम होता है, संतरा होता है, सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि स्क्वेश बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है, नींबू होता है, आम होता है, संतरा होता है, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, कि स्क्वेश आपको बनाना है तो इसके लिए आप उपयुक्त फलों का चुनाव कैसे करोगे। जल्दी से बताएंगे उपयुक्त फल कौन कौन से होते हैं, नींबू होगा, आम होगा, संतरा होता है, फिर उपयुक्त सभी होते हैं। जल्दी से स्क्वेश बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है, जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं स्क्वेश के बारे में, तो स्क्वेश बनाने के लिए यहाँ ये सभी, अर्थात यार नींबू हुआ, आम हुआ और संतरा हुआ, ये सभी क्या होते हैं, उपयुक्त फल होते हैं। ठीक है, स्क्वेश बनाना है तो आपका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है, अर्थात यहाँ नींबू, आम और संतरा सभी का यहाँ उपयुक्त स्क्वेश बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से जैम के लिए, निम्न में से जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ जैम सबसे अच्छा किस फ्रूट का बनता है। जल्दी से बताएंगे जैम किसका अच्छा बनता है, अमरूद का बनता है, गाजर का बनता है, सेब का बनता है, फिर केले का बनता है। जल्दी से बताएंगे ये कि जो जैम होता है, ठीक है, जो जैम होता है ये सबसे अच्छा किसका बनता है, अमरूद का बनता है, गाजर का बनता है, सेब का बनता है, फिर केले का बनता है। जल्दी से बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे जैम, ठीक है, जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है, या फिर जैम किसका सबसे बेस्ट बनता है, अमरूद का, गाजर का, सेब का या फिर केले का। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यार हाँ अगर आपसे पूछा था जैम के बारे में, अगर आपसे पूछता है जैम के बारे में, तो जैम सबसे बेस्ट किसका बनता है, सेब का बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जेली, तो जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है जैम क्या, तो जैम किसका सबसे अच्छा बनता है, ये बनता है सेब का। लेकिन अगर आपसे पूछता है जेली, तो जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। ठीक है, जेली किसकी बनती है, अमरूद की बनती है, और जैम किसका बनता है, सेब का बनता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ, जैम बनता है यार सेब का और जेली बनती है अमरूद की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से सॉस के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉस बनाना है तो जल्दी से बताएंगे कि सॉस के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। टमाटर होता है, बैंगन होता है, गाजर होता है, अमरूद होता है। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से सॉस के लिए, ठीक है, सॉस बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है। टमाटर होता है, बैंगन होता है, गाजर होता है, अमरूद होता है। जल्दी से बताएंगे, एक कॉमन क्वेश्चन है कि सॉस के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। टमाटर होता है, बैंगन होता है, गाजर होता है, अमरूद होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि सॉस के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। टमाटर होता है, बैंगन होता है, गाजर होता है, फिर अमरूद होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा यार, हाँ टमाटर सॉस क्या होता है, टमाटर का सॉस होता है। अर्थात यहाँ सबसे उपयुक्त फल किसे माना जाता है, टमाटर को माना जाता है। ठीक है, टमाटर सॉस कैसे याद रखोगे, टमाटर सॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, जेली बनाने के लिए फलों में क्या आवश्यक घटक है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछेगा घटक के बारे में और किसके लिए, जेली बनाने के लिए। ठीक है, जेली बनाने के लिए फलों में क्या होना आवश्यक है, अर्थात कौन सा घटक होना आवश्यक माना गया है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे जेली के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है। गुदा होता है, रस होता है, पेक्टिन होता है, फिर विटामिन होता है। जल्दी से बताएंगे कि जेली बनाने के लिए फलों में क्या आवश्यक घटक होता है। गुदा होता है, रस होती है, पेक्टिन होती है, फिर विटामिन होता है। जल्दी से बताएंगे कि जेली बनाने के लिए फलों में क्या आवश्यक घटक होता है। गुदा होता है, रस होता है, पेक्टिन होता है, फिर विटामिन होता है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं जेली के बनाने के लिए, ठीक है, जेली बनाने के लिए अगर आप सोचते हैं आवश्यक घटक के बारे में, आवश्यक कंपोनेंट के बारे में, तो कौन सा होता है, पेक्टिन होता है। कौन सा होता है, पेक्टिन होता है, क्योंकि यहाँ पेक्टिन की मात्रा पर ही डिपेंड करता है कि जेली अच्छी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, यानी जो जेली है, तो जेली के बनने के लिए यहाँ आवश्यक घटक कौन सा होता है, पेक्टिन होता है, क्योंकि यहाँ इसी पर डिपेंड करती है कि जेली अच्छी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ यहाँ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोचते हैं जेली पारदर्शी होती है अपारदर्शी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जेली पारदर्शी होती है फिर अपारदर्शी होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जेली पारदर्शी होती है या फिर अपारदर्शी होती है। तो यार हाँ, अगर एक अच्छी जेली है, ठीक है, एक अच्छी जेली है तो वो क्या होती है, अपारदर्शी होती है। क्या होती है, पारदर्शी होती है। क्या होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, एक अच्छी जेली बनने का यही गुण होता है कि वो क्या होती है, एक पारदर्शी होती है। क्या होती है, पारदर्शी होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। जेली का यार हाँ मुख्य घटक कौन सा होता है, पेक्टिन होता है। और एक अच्छी जेली की पहचान क्या होती है, यार हाँ जेली क्या होती है, पारदर्शी होती है। क्या होती है, जेली पारदर्शी होती है। और जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निर्जलीकरण हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है डिहाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है डिहाइड्रेशन के बारे में। तो जल्दी से तैयार रहा कि निर्जलीकरण हेतु उपयुक्त सब्जी किसे माना गया है, मूली को, टमाटर को, गोभी को या फिर आलू को। जल्दी से बताएंगे कि निर्जलीकरण हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। मूली होती है, टमाटर होती है, गोभी होती है, फिर आलू होता है। जल्दी से बताएंगे कि निर्जलीकरण हेतु, ठीक है, कौन सा लिए निर्जलीकरण हेतु। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निर्जलीकरण हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है डिहाइड्रेशन के लिए। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है निर्जलीकरण के लिए, तो सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है, यार हाँ आलू होता है। कौन सा होता है, आलू होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कैनिंग के लिए, हाँ यहाँ पर आपसे पूछा है निर्जलीकरण के लिए, तो निर्जलीकरण हेतु यार हाँ सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है, आलू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। तो जल्दी से बताएंगे कैनिंग के लिए सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। मूली होती है, मटर होता है, सेम होता है, धनिया होता है। जल्दी से बताएंगे कि डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। मूली होती है, टमाटर होता है, सेम होता है, धनिया होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। मूली होती है, मटर होता है, सेम होता है, धनिया होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है, कैनिंग के लिए। तो यार अगर आप सोचते हैं कैनिंग या डिब्बाबंदी के लिए, तो कैनिंग या डिब्बाबंदी सबसे ज़्यादा किसमें की जाती है, यार मटर में की जाती है। किसके में की जाती है, यार सबसे ज़्यादा कैनिंग या डिब्बाबंदी मटर में की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा है निर्जलीकरण अर्थात यहाँ डिहाइड्रेशन, तो यहाँ निर्जलीकरण की जो सबसे ज़्यादा जो क्रिया की जाती है, ये की जाती है आलू में। ठीक है, निर्जलीकरण की अगर आपसे पूछा है, तो निर्जलीकरण किससे होता है, यार हाँ आलू में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कैनिंग या डिब्बाबंदी, तो कैनिंग या डिब्बाबंदी सबसे ज़्यादा किसमें की जाती है, मटर फसल में की जाती है। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यार हाँ फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी, यार हाँ फल तरकारी की परिरक्षण प्रौद्योगिकी की पुस्तक के लेखक कौन है। यार हाँ ये क्या है, एक बुक है और इसके राइटर का आपको नाम बताना है। तो जल्दी से बताएंगे सदाशिवम नायर होते हैं, ए के पुंडिर होता है, के डी गुज्जर होता है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से कहेंगे फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी। ठीक है, बुक का नाम क्या है, फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी। जल्दी से बताएंगे ये राइटर किसका होता है, सॉरी इसका राइटर कौन होता है। ओके, जल्दी से बताएंगे फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी के राइटर कौन होते हैं। सदाशिवम नायर है, ए के पुंडरी है,
के डी गुजर या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। जल्दी से कहेंगे कि फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी के राइटर कौन है, तो कौन से होते हैं यार, अगर आप फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी तो यार इस बुक के राइटर कौन है, सदाशिवम नायर होते हैं। कौन से होते हैं यार, सदाशिवम नायर होते हैं। अब यार ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यार फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी की पुस्तक तो इसके राइटर कौन है, सदाशिवम नायर होते हैं। कौन से होते हैं यार, सदाशिवम नायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट क्या है, पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट होता क्या है। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से कहेंगे कि फल पकाने का रसायन होता है, फलों को परिरक्षण करने का रसायन होता है, फलों को हानिकारक रसायन होता है, फिर उपरोक्त सभी होता है। जल्दी से कहेंगे कि पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड या सल्फेट दोनों एक ही होता है, सॉरी यहाँ पर सल्फेट है, ओके, सल्फाइड नहीं है बल्कि सल्फेट है। तो जल्दी से कहेंगे पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट होता क्या है, फल पकाने का रसायन होता है, फलों को परिरक्षण करने का रसायन होता है, फलों को हानिकारक रसायन होता है, फिर उपयुक्त सभी होता है। जल्दी से कहेंगे कि पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट होता क्या है, फल पकाने का रसायन होता है, फलों को परिरक्षण करने का रसायन होता है, फलों को हानिकारक रसायन होता है, फिर उपयुक्त सभी होता है। तो क्या होता है यार, अगर आप पूछते हैं पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट या फिर सोडियम बेंजोएट, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट या फिर आपसे पूछता है सोडियम बेंजोएट, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, फलों को परिरक्षण करने वाले रसायन होते हैं। क्या होते हैं यार, पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट और सोडियम बेंजोएट, ये क्या होते हैं, दोनों यार फलों को परिरक्षण करने के रसायन होते हैं। क्या होते हैं, फलों को परिरक्षण के रसायन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेक्टिन की पहचान की जाती है, पेक्टिन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, अर्थात कौन सा टेस्ट किया जाता है, पेक्टिन की पहचान करने के लिए कौन से टेस्ट को आप प्रयोग करते हो। जल्दी से बताएंगे, मिथाइल परीक्षण किया जाता है, एल्कोहल परीक्षण किया जाता है, सोलोमीटर परीक्षण किया जाता है, फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे पेक्टिन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताएंगे मिथाइल परीक्षण से की जाती है, एल्कोहल परीक्षण से की जाती है, सोलोमीटर से की जाती है, फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि पेक्टिन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, मिथाइल परीक्षण से की जाती है, एल्कोहल परीक्षण से की जाती है, सोलोमीटर से की जाती है, फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जाती है। जल्दी से बताएंगे पेक्टिन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, कि पेक्टिन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ अगर आपसे पूछ रहे हैं पेक्टिन की मात्रा, तो यहाँ सबसे पहला होता है जेलीमीटर। क्या होता है, जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जेलीमीटर होता है। कौन सा होता है, जेलीमीटर होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिल रहा है जेलीमीटर, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ एल्कोहल टेस्ट। क्योंकि यहाँ अगर आपसे पूछ रहे हैं पेक्टिन की मात्रा, तो यहाँ पेक्टिन की मात्रा जेलीमीटर के साथ साथ एल्कोहल टेस्ट से भी ज्ञात की जाती है। यहाँ की पेक्टिन की मात्रा जेलीमीटर के साथ साथ एल्कोहल टेस्ट से भी ज्ञात की जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात यहाँ CFTRI क्या होता है, CFTRI कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से कहेंगे सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, अर्थात केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, बेंगलोर में, दिल्ली में, फिर मैसूर में। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, बेंगलोर में, दिल्ली में या फिर मैसूर में। तो कहाँ पर होता है यार, CFTRI अर्थात सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यही स्थित होता है मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित होता है यार, मैसूर कर्नाटक में स्थित होता है। कहाँ पर होता है, मैसूर कर्नाटक में स्थित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फल परिरक्षण क्यों आवश्यक है, फल परिरक्षण क्यों किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है। तो जल्दी से कहेंगे फलों की ऐसे में उपलब्धता के लिए, अधिक उत्पादन बचाने के लिए, दूरस्थ स्थानों के उपयोग के लिए, फिर इन सभी के लिए। जल्दी से कहेंगे फल परिरक्षण क्यों किया जाता है, जल्दी से बताएंगे कि फल परीक्षण क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, फलों की ऐसे में उपलब्धता के लिए, अधिक उत्पादन बचाने के लिए, दूरस्थ स्थानों के लिए, या रहा फलों को पहुंचाने के लिए, फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएंगे कि फल परीक्षण क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, मोहन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फलों की ऐसे में उपलब्धता के लिए, अधिक उत्पादन बचाने के लिए, दूरस्थ स्थानों के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं फल परीक्षण, तो फल परीक्षण क्योंकि ऐसा है यहाँ फलों की ऐसा में उपलब्धता के लिए, अर्थात जब इसका सीजन नहीं है तब इसको अवेलेबल कराया जाए, इसके लिए भी यहाँ फ्रूट प्रिजर्वेशन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, अधिक उत्पादन बचाने के लिए, अर्थात यहाँ सड़े गले नहीं, अर्थात मान लीजिए कि जो फल है वो सड़े गले नहीं, इससे बचाने के लिए भी यहाँ फलों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि दूरस्थ स्थानों के उपयोग के लिए, अर्थात यहाँ की अधिक जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, आपको पता होगा कि आम का क्या होता है, यानी जितने भी जो फल फ्रूट है इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, इसलिए यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के दौरान ये खराब ना हो, इसलिए भी परीक्षण किया जाता है। अर्थात यहाँ क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ फलों की ऐसे में उपलब्धता के लिए, अर्थात बिना सीजन भी फलों का उपभोग किया जा सके, इसलिए भी परीक्षण किया जाता है। अधिक उत्पादन बचाए जाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ सड़े गले नहीं, इसके लिए भी किया जाता है। और दूरस्थ स्थानों के लिए उपयोग के लिए, अर्थात यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो, फल और सब्जियाँ खराब नहीं हो, इसलिए भी फल का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, टमाटर सॉस को परिरक्षण करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? जल्दी बताएंगे कि पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग करता है, सोडियम बेंजोएट का किया जाता है, एसिडिक एसिड का किया जाता है, नमक की घोल किया जाता है। जल्दी बताएंगे टमाटर सॉस का, ठीक है, आपको किसका परिरक्षण करना है? टमाटर सॉस का परिरक्षण करना है। तो जल्दी बताएंगे आप किस रसायन का प्रयोग करोगे? पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग करोगे, सोडियम बेंजोएट का करोगे, एसिडिक अम्ल का करोगे, या फिर नमक की घोल का करोगे? जल्दी बताएंगे टमाटर सॉस के परिरक्षण के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? ए बी सी या फिर डी? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा कि टमाटर सॉस के परिरक्षण के लिए आप किस रसायन का प्रयोग करोगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था यार, हाँ, कि अगर आप सोचते हैं टमाटर सॉस के लिए, ठीक है, अगर आप सोचते हैं टमाटर सॉस के परिरक्षण के लिए, टमाटर सॉस की जो परिरक्षण किया जाता है ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है। और जितने भी यहाँ कलरलेस, ठीक है, यानी जिनके फलों में रंग नहीं होता है उनके प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कलरलेस जो फ्रूट होते हैं उनके लिए यहाँ पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जितने भी जो कलर्ड होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी जो रंगीन फल होते हैं, तो रंगीन फलों के लिए यहाँ सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग यहाँ रंगीन फलों के लिए किया जाता है। और जितने भी यहाँ रंगहीन फल होते हैं तो उनके संरक्षण किसका प्रयोग करते हैं यार, हाँ, कि एमस तथा पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग ऐसा है। क्योंकि ऐसा है क्योंकि यार, हाँ, ये जो पोटेशियम होता है, ठीक है, ये जो पोटेशियम होता है ये क्या होता है यार, जो रंगीन फल होते हैं, जो रंगीन फल होते हैं तो उनके रंग को उड़ा देता है। इसलिए यहाँ पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों में नहीं करके अरंगहीन अर्थात यार रंगहीन फलों में किया जाता है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, चाशनी में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? जल्दी सुनेंगे कि चाशनी में चीनी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करोगे? हाइड्रोमीटर का, रिफ्रेक्टोमीटर का, जेलीमीटर का, फिर सोलोमीटर का? जल्दी सुनेंगे चीनी मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? हाइड्रोमीटर के द्वारा, रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, जेलीमीटर के द्वारा, फिर सोलोमीटर के द्वारा? जल्दी सुनेंगे कि चाशनी में चीनी की मात्रा किसके द्वारा मेजर की जाती है, किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? हाइड्रोमीटर के द्वारा, रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, जेलीमीटर के द्वारा, फिर सोलोमीटर के द्वारा? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ अगर आपसे पूछ रहा है चाशनी में चीनी की मात्रा, तो चीनी की मात्रा किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? रहा रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा याद की जाती है? रहा रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है यहाँ गन्ना, ठीक है, गन्ना जब पकता है तो उसमें यार रहा रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ही उसमें चीनी की मात्रा को कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यार रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ही किया जाता है गन्ने में, ठीक है। गन्ने की परिपक्वता जांचने के लिए किसका जो परीक्षण किया जाता है, ये किया जाता है रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा चीनी की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। ओके, और अगर बात करते हैं इसकी यूनिट तो क्या होती है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड, क्या होती है? TSS। अगर बात करते हैं यार हाँ रिफ्रेक्टोमीटर क्या मेजर करता है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड को करता है, और जो कि क्या होती है यार हाँ चीनी की मात्रा होती है। किस में करता है यार हाँ? TSS में करता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड में करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फल और सब्जियों के सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? अर्थात कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को सबसे ज़्यादा सड़ाता है? तो जल्दी सुनाएंगे कि फल और सब्जियों के सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है, प्रमुख रीजन क्या होता है, प्रमुख कोज क्या होता है? जल्दी सुनाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि जीवाणु होता है, वायरस होता है, यीस्ट होता है, खमीर होता है? जल्दी सुनाएंगे फल और सब्जियों के सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल्दी सुनाएंगे क्या है आपका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर रिसेंट पेज हो गया। तो जल्दी बताएंगे फल और सब्जियों के सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? फल और सब्जियों के सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? कि जीवाणु होता है, वायरस होता है, यीस्ट होता है, खमीर होता है? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि फल और सब्जियों के सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है, जिसके द्वारा यहाँ फल और सब्जी जल्दी सड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गमिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, गमिंग मशीन का आपको प्रयोग करना है। तो जल्दी बताएंगे गमिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डिब्बी सील करने के लिए, लेबल चिपकाने के लिए, कोर्क लगाने के लिए, फिर रस निकालने के लिए? जल्दी बताएंगे कि गमिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डिब्बी सील करने के लिए, लेबल चिपकाने के लिए, कोर्क लगाने के लिए, फिर रस निकालने के लिए? जल्दी बताएंगे गमिंग मशीन, ठीक है, कौन सी मशीन? गमिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डिब्बे को सील करने के लिए, लेबल चिपकाने के लिए, कोर्क लगाने के लिए, फिर रस निकालने के लिए? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि गमिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डिब्बे सील करने के लिए, लेबल चिपकाने के लिए, कोर्क लगाने के लिए, फिर रस निकालने के लिए? तो क्या कौन सा है आपका राइट आंसर? तो यहाँ अगर आप सोचते हैं गमिंग मशीन, तो गमिंग मशीन का प्रयोग कैसा है? लेबल चिपकाने के लिए। किसके लिए कैसा है? हाँ, गमिंग मशीन का प्रयोग ये कैसा है? लेबल चिपकाने के लिए। किसके लिए कैसा है? लेबल चिपकाने के लिए कैसा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नमक की घोल, ठीक है, नमक के घोल की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं नमक का घोल, ठीक है, नमक का घोल की अगर आपसे पूछा रहा है, तो नमक का घोल
किससे किया जाता है जल्दी से बताएंगे। चीनी की मात्रा तो हमने ज्ञात कर ली रिफ्रैक्टोमीटर से, ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर तो इसका हो ही नहीं सकता। तो अब जल्दी से बताइए कि सोलोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा या फिर थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि थर्मामीटर के द्वारा यहाँ टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। अर्थात यहाँ पर आपको दो ऑप्शन तो दे ही नहीं रखे, ठीक है, डायरेक्ट हमने क्लियर कर दिया है कि रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं चीनी की मात्रा ज्ञात करते हैं और थर्मामीटर से क्या करते हैं टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। तो अब आपको बताना है नमक का घोल की मात्रा किसके द्वारा मेजर की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, सोलोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे सोलोमीटर के द्वारा फिर हाइड्रोमीटर के द्वारा, किससे याद करते हैं नमक का घोल की मात्रा। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यार अगर आप सोचते हैं नमक का घोल, तो नमक के घोल की जो मात्रा है इसको वो मेजर किया जाता है सोलोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, सोलोमीटर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विवरण क्रिया कहते हैं, अर्थात यार विवरण होता क्या है, ठीक है, विवरण एक टर्म होती है तो ये होती क्या है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे फलों को धोने को बोला जाता है विवरण, फलों को गर्म करने यानी गर्म पानी में उबालने को बोला जाता है विवरण, फलों को डिब्बों में भरने को बोला जाता है विवरण, या फिर नमक का घोल बनाने को बोला जाता है विवरण। जल्दी से बताएंगे विवरण होता क्या है। यार हाँ विवरण टर्म में होती क्या है, इसमें क्या किया जाता है, फलों को धोया जाता है, फलों को गर्म पानी में उबाला जाता है, फलों को डिब्बों में भरा जाता है, फिर नमक को घोल में डुबाया जाता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि जो है विवरण ये होती क्या है, टर्म होती क्या है, फलों को धोया जाता है, फलों को गर्म पानी में उबाला जाता है, फलों को डिब्बों में भरा जाता है, फिर नमक का घोल को बनाने की क्रिया को बोला है। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यार हाँ अगर आप से विवरण, तो विवरण क्या होता है, हाँ फलों को गर्म पानी में उबालने की क्रिया को बोला है। किसको बोला है यार, हाँ फलों को गर्म पानी में उबालने को ही क्या बोला है, विवरण बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछा है निम्न में से रासायनिक पररक्षण पदार्थ कौन से है, रासायनिक पररक्षण पदार्थ कौन से है। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर कर लिया है अभी, तो जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होगा कि रासायनिक पररक्षण पदार्थ कौन से होते हैं। सोडियम बेंजोइट होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है, एक या दो दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे रासायनिक पररक्षण पदार्थ कौन कौन से होते हैं। सोडियम बेंजोइट होते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होते हैं, दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा कि रासायनिक पदार्थ कौन से होते हैं, रासायनिक पररक्षण पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था कि कौन कौन से होते हैं, हाँ सोडियम बेंजोइट भी होता है और पोटेशियम मेटाबाइज सल्फेट भी होता है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एक और दो दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया है रंगीन फलों के लिए। और अगर आप सोचते हैं पोटेशियम मेटाबाइज सल्फेट, तो पोटेशियम मेटाबाइज सल्फेट का प्रयोग किया है रंगहीन फलों के लिए। किसके लिए, रंगहीन फलों के लिए। रंगहीन फलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोइट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइज सल्फेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, रंगहीन फलों के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फल कार्डियल में होता है, ठीक है, जो कार्डियल बनता है, ठीक है, आपको पता होगा कार्डियल बना जाता है। तो कार्डियल में होता क्या है, फलों का गुदा होता है, फलों का रस होता है, रेशा होता है, या फिर ये सभी होता है। जल्दी से बताएंगे कार्डियल में होता क्या है, फलों का गुदा होता है, फलों का रेशा होता है, फलों का रस होता है, या फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि फलों का जो कार्डियल बना जाता है, तो फलों के कार्डियल में होता क्या है, फलों का गुदा होता है, फलों का रेशा होता है, फलों का रस होता है, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे कार्डियल में होता क्या है। यहाँ अगर आपसे पूछता है कार्डियल के बारे में, तो कार्डियल में क्या होता है, यहाँ फलों का रस होता है। क्या होता है, यहाँ फलों का रस होता है, न कि रेसा होता है, न कि गुदा होता है। यहाँ अगर आप सोचते हैं कार्डियल के बारे में, तो कार्डियल में क्या होता है, यहाँ फलों का रस होता है। क्या होता है, फलों का रस होता है, न कि रेसा होता है, न ही गुदा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाइए सुखाने की क्रिया सर्वाधिक प्रचलित है, अर्थात यहाँ सुखाने की क्रिया, यहाँ पर आपसे पूछाइए ड्राइंग, अर्थात यहाँ सुखाने की क्रिया सर्वाधिक किसमें प्रचलित है। जल्दी से बताएंगे बेर में होती है, गाजर में होती है, मटर में होती है, फिर रसबेरी में होती है। जल्दी से बताएंगे ये सुखाने की क्रिया सर्वाधिक प्रचलित कहाँ पर होती है, बेर में की जाती है, गाजर में की जाती है, मटर में होती है, रसबेरी में की जाती है। जल्दी से बताएंगे सुखाने की क्रिया किस फसल में सर्वाधिक प्रचलित है, बेर में, गाजर में, मटर में, या फिर रसबेरी में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि सुखाने की क्रिया सर्वाधिक प्रचलित किस में होती है, बेर में होती है, गाजर में होती है, मटर में होती है, रसबेरी में होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ अगर आप सबसे ड्राइंग या सुखाने की, यहाँ सुखाना भी सबसे ज़्यादा किस में प्रचलित है, मटर में ही होता है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कैनिंग या सुखाना, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कैनिंग या ड्राइंग, तो कैनिंग और ड्राइंग सबसे ज़्यादा किस में प्रचलित है, मटर में ही होती है। कैनिंग और सुखाना, अर्थात मान लीजिए कि डिब्बाबंदी और सुखाने की क्रिया सबसे ज़्यादा किस में प्रचलित है, मटर में ही होती है। कैनिंग और ड्राइंग दोनों ही सबसे ज़्यादा किस में है, मटर में होती है। ओके, और निर्जलीकरण की अगर आपसे पूछा जाता है, निर्जलीकरण किस में किया जाता है, सबसे ज़्यादा आलू में किया जाता है। ओके, निर्जलीकरण सबसे ज़्यादा किया जाता है आलू में, कैनिंग और सुखाने की क्रिया की जाती है सबसे ज़्यादा मटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिना चाशनी वाले मुरब्बा, बिना चाशनी वाला जो मुरब्बा होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आएंगे कि बिना चाशनी वाला मुरब्बा किस नाम से जाना जाता है, कार्डियल के नाम से, पिकल के नाम से, कैंडी के नाम से, फिर आंवले के नाम से। जल्दी से आएंगे कि बिना चाशनी वाला जो मुरब्बा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, कार्डियल के नाम से, पिकल के नाम से, कैंडी के नाम से, फिर आंवले के नाम से। जल्दी से आएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि बिना चाशनी वाला जो मुरब्बा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, कार्डियल के नाम से, पिकल के नाम से, कैंडी के नाम से, फिर आंवले के नाम से। जल्दी से आएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यार अगर आपसे बिना चाशनी वाला मुरब्बा तो क्या होता है, कैंडी होता है, ठीक है। जो बिना चाशनी वाला जो मुरब्बा होता है ये होता है कैंडी, क्या होता है, कैंडी होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जैम जेली, जैम और जेली होती है ये किस तापमान पर तैयार हो जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा है लास्ट टेम्परेचर, ठीक है। जब यहाँ जैम और जेली बन जाती है, बनकर तैयार हो जाती है तो उनका टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब वो तैयार हो जाती है तो उस समय टेम्परेचर कितना होता है। तो जल्दी से आएंगे किस टेम्परेचर पर यहाँ जैम और जेली तैयार हो जाती है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 205 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 103 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या फिर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अर्थात यहाँ जैम और जेली कब बनकर तैयार हो जाते हैं, किस टेम्परेचर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 205 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 103 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल्दी से कहेंगे कि जैम और जेली किस तापमान पर बनकर तैयार हो जाते हैं। जल्दी से पाएंगे जैम और जेली किस तापमान पर बनकर तैयार हो जाते हैं, 101 पर, 205 पर, 103 पर, या फिर 105 पर, किस पर हो जाते हैं। यहाँ अगर आप सोचते हैं जैम और जेली के बारे में, जैम जेली यहाँ 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, किस पर, यहाँ 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब होता है उसी पर यहाँ जैम और जेली बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जैम और जेली 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बनकर तैयार हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ फलों का रंग विरंजित हो जाता है, विरंजित मतलब यहाँ फलों का रंग उड़ क्यों जाता है, विरंजित मतलब यहाँ भद्दा पड़ जाता है या फिर उड़ जाता है, तो क्यों उड़ जाता है ये आपको बताना है। पोटेशियम के कारण, सल्फाइड के कारण, बेंजोइक अम्ल के कारण, फिर इनमें से कोई सीख नहीं। जल्दी से बताएंगे कि फलों का रंग विरंजित या फिर भद्दा क्यों पड़ जाता है या फिर उड़ क्यों जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि पोटेशियम के कारण, सल्फाइड के कारण, बेंजोइक अम्ल के कारण, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इसका रीज़न क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि फलों का रंग विरंजित क्यों हो जाता है, पोटेशियम के कारण, सल्फाइड के कारण, बेंजोइक अम्ल के कारण, फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। क्यों उड़ जाता है फलों का रंग, पोटेशियम के कारण, सल्फाइड के कारण, बेंजोइक अम्ल के कारण, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है फलों का रंग विरंजित क्यों हो जाता है या फिर क्यों उड़ जाता है तो किसके कारण उड़ता है, यार पोटेशियम के कारण होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, यार अगर आपसे पूछता है पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों में क्यों नहीं किया जाता है। ओके अगर आप सोचते हैं पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों में नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यार जो पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट है इसका जो पोटेशियम होता है, इसका जो पोटेशियम होता है ये क्या करता है, यार जो रंगीन फल होते हैं, ठीक है, जो रंगीन फल होते हैं उनके कलर को यार उड़ा देता है, उसके रंग को उड़ा देता है, इसलिए यार पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग यार रंगीन फलों में नहीं करके रंगहीन जो फल होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर आप सोचते हैं पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका रीजन यही होता है, क्योंकि यहाँ जो पोटेशियम होता है ये पोटेशियम क्या होता है, रंगीन फलों के कलर को उड़ा देता है। ओके इसलिए यहाँ पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों में नहीं कर क्या करते हैं, रंगहीन फलों में किया जाता है। और रंगीन फलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है सभी पॉइंट क्लियर हुए। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कर दीजिए वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट नंबर टॉप साइज, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।